आज जो है जब हम चित्र साधना और चित्र भारती के इस उपक्रम में प्रस्तुत हैं तो हमें उन पुण्य पुरुष उन प्रतिभा पुरुष विवेकानंद की स्मृति जो है इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम लोग कैसे सिनेमा में संस्कृति का अन्वेषण कर सकते हैं यानी फिल्में जो हैं वो संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं और उसके बारे में गलतफहमियाँ मिटाने के लिए भी वो काम आती हैं और कई बार गलतफहमियाँ फैलाने में भी उन्हीं की ही भूमिका होती है शहीद उपकार पूर्व पश्चिम जिस देश में गंगा बहती है से लेकर नमस्ते लंदन तक बहुत सी फिल्में हैं जो इसी तरह की हैं जिनमें भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रभावी चित्रण हुआ है भाषा संस्कृति की सबसे बड़ी समवाहिका है और हिंदी भाषा को देश व दुनिया के कोने कोने में तक फैलाने में हिंदी फिल्मों ने जो भूमिका अदा की वो हम आप सब जानते हैं और हमारी विवाह आधारित फिल्मों ने तो इतने संस्कारों का ज्ञान कराया है तो इसलिए यदि मैं आगे कुछ बात करूंगा तो उसको इस अर्थ में नहीं लिया जाए कि हमारी फिल्मों ने हमारी संस्कृति में के चित्रण में कोई जो है कम योगदान दिया है लेकिन फिर भी कुछ बातें इंट्रोस्पेक्शन के हिसाब से हमें अंतरावलोकन के हिसाब से हमें ध्यान रखने चाहिए और चूँकि अब 108 वर्ष हो गए हैं यानी पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र जब आई थी उन्नीस में तब से लेके अभी तक ठीक 108 वर्ष हो गए हैं और 108 सौ आठ का ये शुभ सांस्कृतिक अंक जो है ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारी फिल्मों से जो है सांस्कृतिक विषय विशे विशेष पर केंद्रित होकर फिल्मों से हमारा आरम्भ हुआ था लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ये क्यों हुआ कि 108 वर्षों के बाद भी आज तक बॉलीवुड एक भी फिल्म बैनहर या द पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट या जीसस ऑफ नज़ारत के स्तर की नहीं बना पाया क्या कारण है कि बॉलीवुड जय संतोषी माँ बना ही संतुष्ट हो जाता है क्या इसमें काम कर रहे लोग सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि से उतने संपन्न नहीं हैं इन्हें वहाँ पश्चिम में पाओलो पासुलिनी हैं जो मार्क्सवादी नास्तिक हैं फिर भी वो द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू बना लेते हैं और बाइबल के इस गॉस्पेल के मूल कथ्यों और संवादों से कोई द्रोह किए बिना एक जमीनी यथार्थवाद के साथ उसको बनाते हैं और इधर भारत है जिसके पास एक से बढ़कर एक ग्रिपिंग सांस्कृतिक कथाएं हैं लेकिन जिन्हें ना तो बैनहर जैसी भव्यता मिली है और द दौसपल जैसी गंभीरता वहाँ मुख्य धारा के निर्माता और निर्देशक और अभिनेता इन फिल्मों में काम करते हैं मुख्य धारा के अभिनेता मुख्य धारा के निर्माता भारत में बॉक्स ऑफिस से मोटी रकम वसूल करने वाले महापुरुषों को क्या कभी ऐसी फिल्में बनाते या उसमें अभिनय करते हुए देखा गया वहाँ ससल बी डिमेल जैसे महान फिल्म मेकर टेन कमांडमेंट्स बनाते हैं और वह सुपर डुपर हिट होती है वहाँ बाइबल के प्रसंग विशेष पर कसी हुई फिल्में बनती हैं सोलोमन एंड शेबा बनी और जम कर चली डेविड एंड बाटशेबा उसको न केवल बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली बल्कि वो फिल्म गंभीर फिल्म के रूप में भी स्वीकार ही गई मेल गिब्सन जो है द पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट में न केवल नायक का महान अभिनय करते हैं और वो मुख्य धारा के अभिनेता हैं बल्कि जो है उस फिल्म को फाइनेंस भी करते हैं हमारे सुपरस्टार क्या करते हैं क्या इसका कारण यह है कि बॉलीवुड में जो पैसा लगता है कभी कभी संदेह होता है कि वो जिन स्रोतों से आता है उनका कोई लगाव भारतीय धर्म और संस्कृति सत्ता नहीं है बल्कि इस गुप्त स्रोत का आग्रह एक या दो ऐसे दृश्य डालने का रहता है जिसमें धार्मिक धैर्य की परीक्षा ली जा सके यानी रामायण महाभारत सनातन धर्म महावीर स्वामी बुद्ध भगवान कितनी चीजें हैं इनसे बेहतर दूरदर्शन रहा है जैसे कि महाभारत और चाणक्य जैसे सीरियल दिए और जहाँ प्रसारित रामायण ने तो शहरों में कर्फ्यू का सब माहौल कर दिया था कि जब उसका प्रसारण होता था तो शहरों की सड़कें सुनसान हो जाती थी बाद में यही सीरियल काम आए जब कोरोना कर्फ्यू लगा ये तब था जब रामायण जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टेंशन का सीरियल नहीं था और उसमें बहुत सारा फुटेज जो है दोनों दिशाओं से आते हुए बाणों को दिखाने में खाया जाता था क्या इन सीरियलों की सफलता से भारतीय समाज का पिछड़ापन जारी होता है जारी पिछड़ापन जो है जाहिर होता है लेकिन तब हिस्ट्री चैनल पर प्रसारित बाइबल सीरियल के बारे में आप क्या कहेंगे जिसके एक एपिसोड का टाइम दो घंटे का होता था और प्रथम एपिसोड में ही जिसकी व्यूअरशिप एक करोड़ तीस लाख तक पहुंच गई थी क्या उससे अमेरिका की आधुनिकता के क्लेम पर किसी तरह का दबाव आया जो काम दूरदर्शन ने किया वह काम बॉलीवुड क्यों न कर सका अब वे नोह पर फिल्म जो हैं हॉलीवुड में बनते हुए देख रहे हैं लेकिन उन्हें मनु पर फिल्म बनाने की कोई प्रेरणा नहीं होती क्योंकि वह एक पुरुष जो भीगे नयनों से चल प्रलय प्रवाह देख रहा था उसके बारे में इनका इंडोक्ट्रिनेशन मनुस्मृति चलाने से हुआ है कामायने से नहीं हुआ वह सभ्यता के प्रथम प्रवर्तक की तरह उन्हें नहीं जान पड़ता वो उसमें वो एनवायरमेंटलिज्म भी नहीं देख पाती जो नोह के स्क्रिप्ट राइटर ने देखा है मनु का उल्लेख करते हुए जातीय घृणा फैलाने वाली एक सरासर घटिया फिल्म जो इस देश में बन सकती है और सेंसर बोर्ड से पास भी हो सकती है लेकिन हमारे बॉलीवुड के सेठों को मनु की रचनात्मकता से कोई लेना देना नहीं इन्हें प्रलय के दृश्यों के विजुअल एक्साइटमेंट से लेकर श्रद्धा के साथ उनके मिलने के रोमांस में किसी अपीलिंग ब्लॉकबस्टर की कोई संभावना ही नहीं नजर आती एक प्रॉपर सेकुलर किस्म की किस्सा गोई के साथ कंपेलिंग किस्म के सिनेमेटिक कथानक इनसे रचे नहीं जाते किसी का आग्रह नहीं है कि बायोपिक ही बनाई जाए प्रसंग विशेष को लेकर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं और जिस तरह से उन्होंने हॉलीवुड में सफलता पाई है उसी तरह की सफलता जो है यहाँ पर भी वो पा सकते हैं क्योंकि भारत में तो जो है कथानक यदि सफल होना है तो उसके लिए नायक और नायिका दोनों मिलते हैं वहाँ इस तरह का नहीं है कि रोमांस के लिए जैसे जीसस पे फिल्म बनी तो मैरी मैगडन की उनको कल्पना करनी पड़ी और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी तरफ से जोड़नी पड़ी तो हमारी फिल्में जो मुख्य मुख्यधारा की हैं जो हिट होती हैं तो वो अनास्था को खासकर सनातन के प्रति अनास्था को बढ़ाकर क्यों होती हैं हमारा सुपरस्टार तो इसी बात का सुपरस्टार है कि वो ईश्वर को और किसी अनाम ईश्वर को नहीं बल्कि मंदिर के ईश्वर को डांटता सा प्रतीत होता है आज खुश तो बहुत हो गए तुम मंदिर में आना भी ईश्वर पे एहसान जैसा है मंदिर के उसके भगवान बोलते भी हैं तो नायिका को पटाने के लिए हीरो का माउथपीस बन के शोले वहाँ कहीं वह जाने भी तो यारों में महाभारत का स्पूफ बनाते हैं तो कहीं किसी जगह उनके शिव का रूप धरने वाला अभिनेता पीके फिल्म में हास्यास्पद रूप से खुद को बचाता हुआ घूमता है संस्कृति के छिछोर सड़क छाप चवन्नी टाइप चित्रण से हमारे नायक की बुद्धिजीविता स्थापित होती है क्या कभी आपने भारत में प्रोडक्शन कोड एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज सुनी जो हॉलीवुड में होती थी जो जीसस के किसी भी चित्रण में श्रद्धा के उच्च मानक हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेवरेंस की अपेक्षा करता था और किसी धार्मिक विश्वास का मजाक उड़ाने से फिल्म मेकर्स को वर्जित करता था क्या आज हम भारत के सांस्कृतिक स्वातंत्र को लेकर कभी अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं भारत की सगुण पूजा की संस्कृति विजुअल मीडिया के लिए कितनी जबरदस्त उपयोगिता रखती है इसका एहसास भी क्या हमें है अरेबियन देशों में या पाकिस्तान में पैगंबर का चित्र नहीं हो सकता और किसी समय ऐसा ही कुछ पश्चिमी दुनिया में भी था ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ने जीसस के विजुअल डिपिक्शन को बैन कर रखा था द्वितीय विश्व युद्ध तक ये बैन चला डीमेल की द किंग ऑफ किंग्स लंदन में तभी स्क्रीन हो पाई थी जब उसके लिए स्पेशल लाइसेंस दिया गया था गोलगाथा फिल्म से जीसस को एडिट आउट किया गया था और आप में देखी है वो संवहन और हमारे यहाँ ईश्वर की चिपनिंग क्या हमारे यहाँ सांस्कृतिक विश्वासों से अपने को जोड़ना ही अबौधिक कहलाए जाने का खतरा उठाना है हॉलीवुड में टॉम हैंक्स जैसे अभिनेताओं से लेकर कैरी अंडरवुड जैसे संगीतकार अपनी क्रिश्चियनिटी को अपनी आस्थिनों के ऊपर पहनते हैं ऐसे फिल्म की रिलीज से पहले हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध मंदिरों के चक्कर लगाते हुए लोग देखे जाते हैं लेकिन स्वयं अपनी फिल्म में पंडितों को विदूषक या विलेन की तरह दिखाना और फादर्स को जो है फादर फिगर की तरह निर्दोष करुणावान और मार्गदर्शक की तरह दिखाने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता इन्हें हो सकता है कि इसमें बहुसंख्यकता का मेचोरिटी होने मैजोरिटीज़म का कोई जो है एक मनोविज्ञान हो कि मेजॉरिटी अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करती और जैसे भारत में कन्हैयालाल जो है राम नामी लेते हुए विलेनी करते हैं तो वैसे ही जो है मिसरी की जो सेडिस्ट नर्स है वैम्प वो क्रॉस पहनती है कि जैसे गोकुल पंडित जो है फिल्म दुष्पन में रैपिस्ट हैं वैसे ही जो है आई फॉर एन आई की जो रेपिस्ट जो है वो क्रॉस लिए हुए है का रैपिस्ट जो क्रॉस लिया हुआ है तो ऐसे कई उदाहरण हैं लेकिन एक स्थिति है जिस पर गौर करना चाहिए धीरज शर्मा और आई अहमदाबाद की टीम ने जो पिछले चार दशकों की ही हिंदी फिल्मों का अध्ययन करके ये पाया कि अट्ठानवन प्रतिशत भ्रष्ट राजनेता जो हैं वह ब्राह्मण हैं बासठ प्रतिशत भ्रष्ट व्यापारी वैश्य हैं और लूज कैरेक्टर वाली अठहत्तर प्रतिशत औरतें जो क्रिश्चियन हैं चौहत्तर प्रतिशत फिल्मों के सिख मात्र विदूषक हैं लेकिन चौरासी प्रतिशत जो है एक अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के चरित्र अत्यंत धार्मिक और ईमानदार हैं भले ही उनका वह चरित्र जो फिल्म में फिल्माया गया है वो अपराधी का ही क्यों ना हो पाकिस्तान को लेकर बनने वाली 20 फिल्मों में से 18 में पाकिस्तानी लोग विनम्र मेहमान नवाज खुले दिल के और साहसी हैं लेकिन इन्हीं फिल्मों में भारतीय है जो हैं वो संकीर्ण हैं वो रूणीवादी हैं और वो अनवेलकमिंग हैं क्या इस बात को हम अल्पसंख्यकों के मनोविज्ञान से जोड़ सकते हैं कि और बहुसंख्यकों के मनोविज्ञान से जोड़ सकते हैं कि बहुसंख्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती yeah. है और इसलिए वो आत्मावलोकन करने में कोई भी बुराई भी नहीं मानती लेकिन इससे हॉलीवुड की व्याख्या होती है इससे बॉलीवुड की व्याख्या होती है लॉलीवुड की नहीं होती लाहौर की नहीं होती पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की व्याख्या नहीं होती पाकिस्तानी फिल्में एंटी इंडिया हों तो समझ में आता है लेकिन वे हिंदू विरोधी फिल्में कैसे बनाती हैं यह समझना बड़ा कठिन है यानी कभी पाकिस्तानी फिल्म आप बॉर्डर देखिए तो उसमें एक हिंदू भारतीय लड़की है प्रीति वो पाकिस्तानी मेजर खालिद से प्यार करती है और मंदिर की पृष्ठभूमि में पहले तो गाती है कि मैं ना जानू दीन धर्म को मैं ना जानू रस्में कसमें फिर जब भारतीय सेना का एक मेजर जो है वो उसका नाम भी भारत रखा गया है खालिद को पकड़ लेता है और यहाँ कश्मीर में भारत के हिंदू सैनिक स्थानीय मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करते हुए बताए गए हैं तो पाकिस्तानी पक्ष से एक महिला ये कहती हुई बताई गई है कि, कि किसी मुसलमान फौजी को हाथ लगाया तो मार डाले जाओगे तब भारत उसे छापड़ मारता है भारत नाम का वो मेजर तो ये प्रीति महोदया फिर फरमाती हैं कि औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसी तरह से उनकी एक फिल्म है मुसलमान और वहाँ की जो एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की है वो मुस्लिम कॉलेज मेट से प्यार करती है और डायलॉग मारती है कि मैं अपने प्यार के लिए अपने मज़हब की दीवार गिरा दूंगी और वहाँ भी वो जो है भगवान शिव के मंदिर में नाचती है और उनकी तरफ उंगली उठाती हुई कहती है कि रीति रिवाजों को मैं ना समझूं मैं ना जानूँ दीन धर्म को लेकिन और क्लाइमेक्स में एक अन्य पात्र है सीता जो हिंदुओं को झूठा कहती है और इस बात पर पछताती है कि उसका जन्म हिंदुओं में हुआ मुस्लिम परिवार में नहीं और वो मौलवी से कहती है कि मौलाना जी मैं मुसलमान होना चाहती हूँ पृष्ठभूमि में अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आती हैं मौलाना खुशी में पगलाया कहता है सुबह अल्लाह तो बिस्मिल्ला कलमा कर पढ़ कर करो बेटी वो कलमा वहीं पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है अब प्यार जब दीन धर्म को नहीं मानता ये अच्छी बात है लेकिन तब कन्वर्शन की जरूरत ही क्या है पाकिस्तान में जालत इस हद की है कि इश्कदादे गदर और अशन फिल्में जो हैं वो वहाँ बैन कर दी गई और उसके पीछे पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने कारण ये गिनाया कि फिल्म जो है एक मुस्लिम लड़की की उचित छवि पेश नहीं करती यहाँ मुस्लिम लड़की हिंदू आदमी से प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ अफेयर में ये कारण गिनाया गया वहाँ पर और ये शायद उनके जन्म से ही एक ग्रंथी उनमें विकसित हो गई है पाकिस्तान भारत से एक शत्रु देश होने के कारण नफरत करे समझ में आता है लेकिन वो भारत से एक हिंदू देश होने के कारण नफरत करे जबकि भारत एक सेकुलर कंट्री है वो समझ में नहीं आता लेकिन सांस्कृतिक करेक्शन के बॉलीवुड के उत्साह पर शक नहीं करना चाहिए अभी एक फिल्म बनी है जिसमें विकी कौशल जो हैं एक सार्वजनिक स्थान पर यह कहते हुए सबके सामने लड़की को किस करते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर पप्पी ना जाए तो पर्दा प्रथा वाले रघुकुल रीति का मॉडिफिकेशन करने का जोश जरूर रखते हैं और हमारे मनोज मंत्री शिर कह रहे थे अब एक कार्यक्रम में आज जब वो आएंगे तो शायद वो बताएंगे वो ये कह रहे थे कि यदि राम सी प्रसिद्धि चाहिए है यदि राम सा यश चाहिए है तो राम सा त्याग भी जरूरी है उस त्याग को जो है हमारी भारतीय फिल्म बता सकें तब प्रणाम